बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपडेट टू पेपर हैकर में। मैं सूरज राज आज की वीडियो देखने वाले हैं। जो भी छात्र बीएससी थर्ड ईयर में है, बॉटनी का थर्ड पेपर लेके आए, फर्स्ट और सेकंड पहले से अपलोड कर रखा है, थर्ड पेपर की बात करने वाले हैं। आप इन क्वेश्चनों को याद करके 85% प्लस लाएंगे। मैं 85% नहीं 80% लेके आएंगे। कैसे जाएंगे देखो ध्यान से। अब यहाँ ध्यान रखो, मैंने आपसे 4 से 5 महीने पहले आपको कह सकते 17 से 18 क्वेश्चन दिए थे। आप 17 से 18 क्वेश्चन याद करके आप 85% का मैंने वादा किया था आपसे, बिल्कुल मिलेगा। आप सारे क्वेश्चन पढ़ लो, बिल्कुल मिलेंगे। अब मैंने कहा था 4 से या फिर 6, मतलब कह सकते हैं जो 7 से 8 दिन पहले मैं आपको कुछ दूंगा वो दूंगा। 13 से 14 क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। इन क्वेश्चनों को याद करके हम 80% ला सकते हैं प्लस। और बात करेंगे 2 दिन पहले, एग्जाम से 2 दिन मैंने पहले बताया था कि 2 दिन पहले हर बार में मैं आपको देता हूँ केवल 10 क्वेश्चन। उन क्वेश्चनों को याद करके आप 70% लाएंगे प्लस। मतलब कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से परसेंटेज लाना चाहते हैं, किस लेवल की तैयारी करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि 70% आ जाए बस, तो 2 दिन पढ़ लो, 2 दिन पढ़ लो, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तोफ नहीं है बीएससी, तोफ जो उड़ा देगी हमको, समझ रहे ना। उस प्रोफेसर से भी कह दो जो कॉपी चेक कर रहा है कि भाई अब की संभाल के करना है, अब की संभाल के करना है, क्योंकि कुछ अलग अंदाज में आए हैं हम, अब की कुछ हम अलग अंदाज में आए हैं, उनसे बोल देना इस बात को, उस तरीके से लिखना है अब की कुछ नया अंदाज में है हम, ठीक है, और नए जोश में है हम। देखो सबसे पहले आप अपने बुक नोट्स गैस पेपर जिससे तैयारी कर रहे हो उसको ओपन करो, नहीं कर रहे उससे तो हमारे नोट्स को डाउनलोड करो यार। जाओ वेबसाइट पर जाओ paperhacker.in की, वहां से जाकर नोट्स को डाउनलोड करो यार, सब कुछ मिलेगा। उत्तर प्रदेश की पुलिस की तैयारी कर रहे हो वहां से नोट्स को डाउनलोड करो, समझ रहे ना। फ्री में नोट्स प्रैक्टिस सेट लगाओ यार, आपके लिए सब कुछ लेके आ रहा हूं मार्केट से, प्रैक्टिस सेट लगाओ उनको ताकि आप अच्छे कुछ कर पाए, समझ रहे ना। पैसे बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, एप्लीकेशन पे डाउनलोड करो प्ले स्टोर से पेपर हैकर सर्च करके, पेपर हैकर यूपी पुलिस करके सर्च कर लेना, बहुत सारी एप्लीकेशन आ जाएंगी। पेपर हैकर बीएससी थर्ड ईयर सर्च का बहुत सारी एप्लीकेशन मिल जाएंगी आपको, जिस क्लास में उसको नाम कर करो, देखो काम होता है तुम्हारा सबसे पहले। अब देखो नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब देखो कौन कौन से क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना है, समझ लो पहली बात तो। यहाँ है खनिज संसाधन, पहला क्वेश्चन पर लगा दो, खनिज संसाधन का संरक्षण किस तरीके से करेंगे, ठीक है। मृदा अपरदन, मृदा के कटने का कारण क्या होता है, उनका संरक्षण रोकथाम कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन। मृदा का प्रकार कितने होते हैं, 8 प्रकार की मृदा होती है सब बता देना, और मृदा का निर्माण कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन आपके सामने है। जैविक विविधता, जीवों में पाई जाने वाली विविधता को जैविक विविधता बोलते हैं, इसको देखेंगे आप कैसे कैसी पाई जाती है। चलो जल का संरक्षण कैसे करने वाले हैं वो आपको बताओ, जल के गुण आपसे पूछ लेता है, गुण वाटर के प्रॉपर्टीज बताओ, आप बताओ, तुम बताओ, खड़े हो जाओ बताओ, प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, खड़े मत हो जाओ वहीं बैठ के बताओ, हाँ उसको बता देना। और ये याद करके जाना ऊर्जा संसाधन क्या होता है, ध्यान से सुन लो मेरी बात को, ठीक है। और यार प्राकृतिक और मानव निर्मित जल संसाधन क्या होते हैं, प्राकृतिक और जल, देखो प्राकृतिक और जल मानव निर्मित क्या कहलाते हैं, मतलब होता है जो भगवान ने वर्षा बनाई है, नदी बनाई है, वो क्या है, प्रकृतिक द्वारा बनी है। मानव निर्मित नहर नाले वगैरह जो बनाए हैं, कूप वगैरह, तो वो मानव निर्मित जल स्रोत कहलाते हैं, समझ रहे हैं ना। तो ये तो सभी लोग जानते हैं, इसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बना बना के पूरी बॉटनी लिख दोगे तुम, ऐसे तैयारी करते हो, फेल हो जाऊंगा फेल हो जाऊंगा, डरने की जरूरत नहीं है, अपने आप पर कॉन्फिडेंट रखो, सब कुछ आपके हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं है। आप अच्छे तरीके से पढ़ाई करोगे तो अच्छे नंबर पास होगे, जो बता रहा हूं वही पढ़ के जाओ बस काम हो जाएगा, ठीक है। सबसे बड़ी बात है अपने आप पे भरोसा रखो, भरोसा किसी और पे करो कोई और ले जाएगा। इसको देखो वन संसाधन की बात करें, वन संसाधन उसके महत्व, संरक्षण, संपदा क्या होती है उसके बारे में आप देखेंगे, वन कट क्यों रहे हैं, प्रदूषण मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, हम कह सकते हैं थर्मल प्रदूषण, एयर प्रदूषण, उनके स्रोत निरोध आप किस तरीके से निपटारा कर सकते हैं, जीव संख्या क्या होती है, जैविक समुदाय ऊपर बता चुके हैं, ठीक है। बात खत्म करो पादप समुदाय, बात आप खत्म करो, बना बना के लिख दोगे, इतना तो कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं होती बॉटनी के अंदर, इतना बड़ा तोप नहीं है बीएससी। ओजोन हाउस क्या होते हैं पढ़ो, तंबाकू का मोजे के लोग किस तरीके से नियंत्रण किया जाता है, उसके लक्षण क्या है, पढ़ को बताओ फटाफट आंसर करो उसके, और याद कर लो रट लो इनको,
रट लो इसको, देखो ये क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, एसिड अम्ल, ये केमिस्ट्री में पढ़ते चले आए हो। ऊर्जा, सॉइल प्रोफाइल को देख लेना, प्रोफाइल नीचे होगी, फर्टिलिटी है ये, उर्वरकता के बारे में बात की गई है। ये देखो आलू के, आलू का दे पढ़ लेना, आलू का विलंबित रोग लक्षण, उसके उपचार कैसे करेंगे, ठीक है। ये है प्रोफाइल, मोस्ट इंपोर्टेंट है मृदा प्रोफाइल। गन्ने का लाल सड़न रोग पढ़ लेना, 100% पेपर में छपेगा। चिपको आंदोलन पढ़ लेना, ठीक है। स्टोन जाति कौन सी होती है, स्टोन जाति कौन कौन सी होती है, किसी बताए, वो बढ़ के जाना। खीरे का मोजक रोग छोड़ो, सिट्रस कैंसर, नींबू का खसरा रोग पढ़ के जाना। खत्म, बाय बाय टाटा। रेड डाट बुक को देखो, रेड डाटा बुक क्या होती है, संकटग्रस्त पौधे कौन कौन से हैं, रेड डाटा बुक के अंदर कितने रखे जाते हैं, सबको पता होगा, किसी को कहने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको पढ़ लेना, बनिवास सब ऊपर बता रखा है, बात खत्म। यही पढ़ लो, जो बॉक्स बंद कर दिए मैंने पहले लाल लाल में, भाई पढ़ लो, बात खत्म, सब हो गया। 85% 80% यहां से मिलेगा, 85% टोटल सब पढ़ोगे तो वो आपको मिलेगा, सही है। तो सबसे ज्यादा टॉपर बनना चाहते हैं वो, कहते हैं कि मैं संघर्ष करूंगा सर और अच्छे नंबर से पास लेकर आऊंगा। उस प्रोफेसर से भी कह दूंगा कि कॉपी चेक करते हुए भी तू कहेगा कि भाई क्या लिख दिया तूने, ये इतने नंबर कैसे नोट कर रहा हूं मैं, कैसे काउंट कर रहा हूं, समझ रहे हो, समझ रहे ना। एक पेपर में जब 80-85% पेपर आएगा ना तुम्हारा, तो खुद कहेगा फिर वैसे, वाह वाह बेटा वाह। तो समझ लो उस तरीके से तैयारी करनी है तुम्हें, तो ये आपको इस तरीके से बेहतर तैयारी करनी है। आप 85% प्लस लाने, 90% 95% लाना चाहते तो टोटल तैयारी कर लो, जो मैंने आपको 2-3 महीने पहले पेपर डाला है। अब ये जो डाल रहा हूं 13 क्वेश्चन, 80% जो एग्जाम से 2 दिन पहले दूंगा, 70% आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप किस पर और कितना भरोसा करना चाहते हैं। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करना है। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट में, तब तक ले, बाय बाय।